be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डीआईवाई जुगाड़, और मेरा नाम है वैभव। सो आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार टाइप का होने वाला है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मैं काफी टाइम से करना चाहता था, एटलीस्ट एक साल से पिछले, बट अब जाके टाइम मिला है, जून है, हॉलीडेज है। सो आज मैं इस वीडियो में, जैसे कि आपने देख लिया, मैं फिट करने जा रहा हूँ प्रॉपर म्यूजिक सिस्टम अपने एक्टिवा के अंदर विद स्पीकर्स एंड प्रॉपर एम्पलीफायर। सो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं क्या क्या सामान इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है और वो आपको सब कुछ चाहिए होगा, और जो भी मैं आपको दिखाऊंगा उसके लिंक्स आपको एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो सबसे पहले देखते हैं मैं इस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या सामान चाहिए होगा। और सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो म्यूजिक सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो हमें एक चाहिए होगा एम्पलीफायर। सो ये एम्पलीफायर आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, ये मैंने मंगाया है gearbest.com से, और इसका रीजन आपको आगे बताता हूँ, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं। इसकी कॉस्ट अराउंड 800 से 1000 रुपए के बीच में है, और ये हमारा 4-चैनल एम्पलीफायर एज यू कैन सी, और इसमें बेस, ट्रेबल और वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए नॉब्स दिए हुए हैं इधर, और साथ में इसमें यूएसबी पोर्ट, एसडी कार्ड, एफएम और पीछे ऑक्स भी लग जाती है, और आप इसमें ब्लूटूथ से भी गाने प्ले कर सकते हैं बाय यूजिंग अ स्मॉल ब्लूटूथ यूएसबी डोंगल। और इसके पीछे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं पावर इनपुट के लिए सॉकेट दिया हुआ है, साथ में यहाँ पे हमारे 4 स्पीकर्स के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहाँ पे एक एफएम का एंटीना है जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये वहां से क्यों मंगाया मैंने, मैं लोकल मार्केट से इसको लेके आया था, ये डिवाइस है जैसा कि आप देख सकते हैं, और फ्रंट से ये कुछ ऐसा है, और ये अराउंड इसकी कॉस्ट थी 550 रुपए का खरीदा था मैंने इसको, और इसमें भी यूएसबी और ऑक्स और साथ में मेमोरी कार्ड लग जाता था। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जो स्पीकर से आउटपुट आ रही थी वो बहुत ज्यादा बेकार आ रही थी, या बिल्कुल ही घटिया कह लीजिए आप इसको, इसीलिए मैंने ये वाला मंगाया। और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेटर है, ये प्रॉपर बहुत हैवी वेट है, और ये बाहर से एल्युमिनियम है सारा, सो हीट सिंक का काम भी करेगा ये, और इसको मैंने अंदर से भी खोल के देखा है, उसकी भी पिक अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। सो और आप देख सकते हैं इसमें काफी बढ़िया क्वालिटी के कंपोनेंट यूज हुए हैं। दूसरा और मेन कंपोनेंट हमारे सिस्टम का वो है स्पीकर्स, ये सॉन्गबर्ड कंपनी के स्पीकर्स हैं, और ये मैंने लोकली खरीदे हैं अराउंड 900 रुपए के। सो पहले इनको खोल के दिखाता हूं। सो ये हमारे स्पीकर्स, और आप देख सकते हैं अगर इनके ऊपर से हटाया जाए तो ये 4 इंच के 3-way स्पीकर्स है, क्योंकि इस पे स्पीकर भी है, वूफर भी, और ये सामने आप ट्विटर्स देख सकते हैं, और इनकी वॉइस क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है इनके प्राइस रेंज के हिसाब से, और साथ में इसके कुछ हमें वायर्स मिली थी और मिले थे कुछ स्क्रूज। सो अब इनको रखते हैं साइड पे। सो एक आपको ऐसी सी मेल पिन चाहिए होगी, ये बेसिकली जो मॉडर्म्स के अडेप्टर होते हैं हमारे उनमें लगती है ये, और ये हमारे एम्प को पावर करेगी। ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से 10 रुपए की मिल जाएगी, और हमें चाहिए होगी 1 mm थिक अराउंड 3 meters लॉन्ग वायर, क्योंकि मैं स्पीकर्स को करूंगा अपनी डिक्की में फिट, तो उसके लिए वायर हमें थोड़ी लंबी चाहिए होगी। सो अब बात करते हैं हम दो मेन कंपोनेंट्स की जो हमारे एम्प को चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक है ये 4-pin रिले, आपने यूजुअली इसको हॉर्न्स में यूज होते देखा होगा। सो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ कि ये काम कैसे करता है, बट अभी हम इसको लगाएंगे। और दूसरी जरूरी चीज है ये हमारा फ्यूज लिंक, और ये भी मुझे इंडिया में कहीं पे भी नहीं मिला था, अमेजोन पे भी और लोकल भी, ये भी गियरबेस ही मैंने मंगाया, और इसकी कॉस्ट अराउंड 50 रुपए है, और इसके साथ एक 15 ampere का हमें छोटा फ्यूज मिलता है, और ये वाटरप्रूफ है, ये ऐसे अंदर चला जाएगा और ऊपर से ऐसे लॉक हो जाएगा। और हमें चाहिए होगी थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल टेप और एक साथ में पुश पुल स्विच जो हमारे सर्किट को ऑन ऑफ करेगा। इन सब चीजों को तो आप मार्केट से खरीद लेंगे, बट एक चीज जिस पे आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी या बाहर से करवानी पड़ेगी वो है आपका फ्रेम। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने एक फ्रेम बनवाया है बाहर से, और मैंने प्लाई का पीस लिया था, और उसमें ये मैंने अपने स्पीकर्स के लिए 4 inches के 2 holes कराए, और अपने एम्प को लगाने के लिए यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल कटवाया है, और उसके ऊपर से मैंने F1 का स्प्रे पेंट कर दिया था, और पीछे से आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा सा है, और उन्होंने मेरे से 300 rupees लेबर ली इसको करने की, शायद आपको ज्यादा लगे या कम लगे बट वहां टाइम बहुत लग गया था इसीलिए। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा डाउट यही आ रहा होगा कि ये बैटरी कितनी खाएगा, बैटरी डाउन होगी या कैसे भी है। मैं आपको बता दूं कि हमारे एम्प की पावर इनपुट है 12 volts 5 ampere। मैं सजेस्ट करता हूं कि मिनिमम 5 ampere की बैटरी तो आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि मैंने अपने एक्टिवा में इंस्टॉल कर रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। और मैं इसको 2.5 ampere की बैटरी पे टेस्ट कर चुका हूं। अगर आपकी स्टॉक बैटरी भी है 4 ampere की, आप उस पर इसको चला सकते हैं, और मिनिमम 4 की हो आप 2.5 पे मत चलाइए। इसकी बैटरी तब डाउन होगी जब आप इसको 2-3 घंटे चलाएंगे अपने एक्टिवा को बिना स्टार्ट करें, मतलब आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, तब आपकी बैटरी डाउन होने का चांस है, बट ये आधा घंटा तक बड़े आराम से चल सकता है, और उसके बाद भी आपका सेल्फ स्टार्ट चलेगा, ये मैं चेक कर चुका हूं।
सो इसकी वायरिंग थोड़ी ज्यादा और टाइम भी लगेगा बट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सो पहले हम देख लेते हैं इसका वायरिंग डायग्राम। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन भी दबा लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस करें मेरे चैनल से। सो लेट्स गो। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे आज की वीडियो का वायरिंग डायग्राम है। ये हमारी बैटरी, ये रिले, ये फ्यूज, ये एक पुश पुल स्विच, ये हमारा इग्निशन से पॉजिटिव, चाहे आप लॉक से ले सकते हैं और चाहे आप इसको ब्रेक वायर से ले सकते हैं या फ्यूल गेज की वायर से। ये हमारा कोई भी बॉडी पार्ट ग्राउंड कर लीजिए। ये हमारे स्पीकर्स और ये हमारा एम्पलीफायर। सो बेसिकली मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, अगर तो आप चाहते हैं कि आपका एम्पलीफायर है वो चाबी ऑन होने पे ही चले तो आपको रिले लगाने की जरूरत है, और अगर आप चाहते हैं कि बिना चाबी के चले, मतलब जब भी आप स्विच ऑन करें आपका चल पड़े, सो आप डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं वायर को विदाउट यूजिंग दिस रिले। सो मैं आपको रिले के साथ डायग्राम बताऊंगा। सो सबसे पहले तो हमारी रिले है, इसमें 85, 86, 30 और 87 वाले पॉइंट्स हैं। सो जो बैटरी का एक पॉजिटिव होगा, पहले तो हमें लगाएंगे सेफ्टी फ्यूज और वो 10 एम्पीयर्स का होगा। सो वहां से फ्यूज से होते हुए वायर चली जाएगी 30 वाले पॉइंट में, और इग्निशन से हमें पॉजिटिव लेना है वो जाएगा हमारे स्विच की एक साइड में, और स्विच की दूसरी साइड से ये चले जाएगा हमारे 85 या 86 वाले पॉइंट में। और जो हमारा 86 वाला पॉइंट है हम उसको कर देंगे ग्राउंड, और इसके बाद जो हमारी मेल पिन होगी उसमें से दो वायर्स निकलेंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव वाली को कर देंगे हम ग्राउंड एज यूजुअल, और पॉजिटिव वाली जाएगी हमारे ले के 87 वाले पॉइंट में। यहाँ से हमारा ये सर्किट हो गया कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास स्पीकर हैं, स्पीकर्स का पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वो हम एम्पलीफायर के पीछे से ही जैसे वायर्स होंगी वैसे ही लगा देंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से, और सेम इधर भी। हमारे पास 4 चैनल एम्प है सो उसके लिए हम दो खाली छोड़ देंगे। इस एम्प के पीछे आपको दो पोर्ट्स मिल जाएंगे ऑक्स के लिए, जिसमें एक लेफ्ट ऑडियो होगी और एक राइट ऑडियो होगी। सो लेफ्ट और राइट अलग अलग वाली ऑक्स लेके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वो आपकी 3.5 mm जैक में कन्वर्ट हो जाएगी जिससे वो आपके फोन में लग जाएगी। स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा एक्टिव है। सो पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि फ्रेम इसमें कैसे फिट होगा। सो ये यहाँ से गया अंदर और ये हो गया। सो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे स्पीकर्स, यहाँ पे हमारा एम्प आ जाएगा और यहाँ पे दूसरा स्पीकर, और यहाँ पे हम एक स्क्रू लगा देंगे ताकि ये आराम से टिक जाए और हमारी जो डिक्की है वो भी बड़े आराम से बंद हो जाएगी। सो सबसे पहले तो मैं आपको इन होल्स में स्पीकर बताता हूँ कैसे फिट करने हैं। सो फिर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा स्पीकर है और इसके साथ आपको स्पीकर ग्रिल मिली है या इसको जाली कह लीजिए। सो ये अंदर से ऐसे निकल जाती है थोड़ा सा पुश करने पे, और हमें करना ये है कि आपको ड्रिल करने की जरूरत नहीं है, ये दो सूत की पलाई है। आप स्पीकर को रखिए ऐसे और इसके ऊपर ये प्रॉपर बैठ जाएगा हमारा, और हमें ऊपर से स्क्रूज कस देने हैं, और स्क्रूज कसने के बाद हम इसको ऊपर से ऐसे रख देंगे जो हमें प्रॉपर एक 5-star फिनिश देगा स्पीकर की। सो फटाफट इसको कसते हैं। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्पीकर्स प्रॉपरली फिट हो चुके हैं और मैंने ग्रिल्स भी लगा दी हैं ऊपर से। मैं प्रॉपर सारा प्रोसीजर इसलिए नहीं दिखाया था कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। सो पहले हम वायर्स डालेंगे और करेंगे कनेक्शंस। सो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना नोज खोलना होगा, उसके लिए एज यूजुअल 4 स्क्रूज 1, 2, 3 एंड 4, और आपको वायर डालने के लिए ये डिक्की भी खोलनी पड़ेगी अपना इंजन कंपार्टमेंट। उसके लिए 12 mm सॉकेट और रॉड की हेल्प से ये 3 बोल्ट्स खोलने होंगे, 1, 2 और 3। सो फटाफट इनको खोलता हूं और दिखाता हूं। सो फ्रेंड्स कनेक्शन सारे वैसे ही होंगे जैसे कि मैंने आपको वायरिंग डायग्राम में बताया है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फ्यूज लिंक है और इसके अंदर पहले से ही फ्यूज है। सो इसके साथ वायर भी अटैच होती है, हमें इसको काटना और वायर्स को कर लेना पील। सो हमें फ्यूज को सबसे पहले लगाना है अपने बैटरी के पॉजिटिव में, और ये फ्यूज काम ये करेगा कि हमारे एम्पलीफायर को ये अगर ज्यादा करंट आता है तो खराब होने से बचाएगा, लेमैन लैंग्वेज में बोला जाए तो। सो इसको यहाँ पे करते हैं ज्वाइन। सो फ्रेंड्स पॉजिटिव वाली वायर मैं 30 वाले पॉइंट में लगा चुका हूँ। सो अब 85 और 86 की बात करते हैं। सो जैसे कि डायग्राम में बताया एक को हम कर देंगे अर्थ, सो एक वायर को हम लगाएंगे 85 वाले पॉइंट में और उसको नेगेटिव कर देंगे। सो ये चली जाएगी हमारी यहाँ पे ग्राउंड पे या बैटरी के नेगेटिव। सो फ्रेंड्स अब हमें एक पीस ऑफ वायर लेना है और इस वायर पे लेंगे हम लॉक से पॉजिटिव, मतलब जब भी चाबी ऑन करेंगे हम तभी हमारा सिस्टम चलेगा। सो उसके लिए आप चाहे तो आप यहाँ लॉक वाले सॉकेट से ले सकते हैं, और इस टाइम मैं ले रहा हूँ अपनी फ्यूल गेज की वायर से। सो जैसा कि आप देख सकते हैं आप इस वायर को अंदर डाल दीजिए, और ये सॉकेट की निशानी यही है कि जब भी आप इसको निकाल देंगे तो आपकी फ्यूल गेज नहीं चलेगी। और अब हम लगाएंगे इसके बीच में स्विच। सो ये मेरे पास एक पुश पुल स्विच है और ये चले जाएगा एक साइड पे, और हम स्क्रूज को कर देंगे इसके बाद टाइट। और उसके बाद हमें एक पीस ऑफ वायर लेना है जिसके साइड पे थिम्बल अटैच्ड है और एक साइड पे नहीं। सो उसको भी लगा देंगे बीच में और स्क्रूज टाइट कर देंगे। सो हमारा स्विच अच्छे से अटैच और टाइट हो चुका है। सो ये वायर चली जाएगी हमारे 86 वाले पॉइंट में लाइक दिस। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉक की साइड पे मैंने एक होल पहले ही बनाया हुआ है, तो ये स्विच को हम पीछे से डाल के आगे से कर देंगे टाइट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं स्विच अच्छे से माउंट हो गया मेरा यहाँ पे। सो आप इसको ऐसे माउंट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं 85 वाला पॉइंट जो वायर थी वो मैंने अर्थ कर दी है। सो अब हमारा काम शुरू होता है कि एक आपको वायर रन करनी है जो बैटरी वाले कंपार्टमेंट से लेके फ्लोर से होते हुए यहाँ पे मिलेगी आपको,
ताकि हम इसको डिक्की में लेके जा सकें। सो ये मैं अभी आपको दिखा नहीं रहा, मैं पहले ही कर चुका हूँ। और ये आप किसी भी स्टील वायर की हेल्प से कर सकते हैं। और अभी आपको ऊपर एक आई बटन में वीडियो दिख रही होगी, उसमें मैंने किया हुआ है, सो आप जाके देख सकते हैं। सो अब हम करेंगे ये कि इस वायर पे अटैच करेंगे एक थिम्बल। थिम्बल अटैच हो चुका है और इसको हम लगा देंगे अपने 87 वाले पॉइंट में। और इसके बाद हमें सारी रिले को टेप कर लेना है अच्छे से, चाहे पूरा ड्रोल लग जाए बट इसको टेप कर लीजिए ताकि आपका फ्यूज कहीं से भी ना उड़े। तो इसको टेप करके दिखाते हैं। सो आप देख सकते हैं सारी टेप हो चुकी है। सो आप इसको कहीं पे भी टाइट वगैरह कर दीजिए या ऐसे फंसा दीजिए अंदर, और आप देख सकते हैं फंस चुकी है। सो अब पीछे जो ये वाली वायर है ये हमारे एम्प के लिए पॉजिटिव का काम करेगी। सो अब इसी वायर को हमें डिक्की में लेके जाना है। सो उसके लिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा होल है, सो इसमें से हम वायर को निकालेंगे बाहर। आप देख सकते हैं वायर आ चुकी है बाहर, सो इसको खींच लेंगे और बोनेट को नीचे कर देंगे। सो अब हमें अपनी मेल वाली पिन लेनी है, और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव कौन सा और नेगेटिव कौन सा है। सो मेरे केस में यहाँ पे जिसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे बार्स हैं, वो वाला पॉजिटिव है। सो जो हमारी येलो वायर आ रही है उसको हम इसके पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और अच्छे से कर देंगे टेप। और नेगेटिव हम एज यूजुअल कहीं पे भी इसको बॉडी पार्ट पे कर देंगे ग्राउंड। सो ग्राउंडिंग के लिए मैं ये वाला बोल्ट यूज़ करूंगा जब इसके ऊपर हम बोल्ट कसेंगे। सो इस वाली वायर को हम उससे ज्वाइन कर देंगे। सो पहले इसको अच्छे से टेप करते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं पिन लगा चुका हूँ अपने ऐप में। जो नेगेटिव वाली वायर थी उसको मैं बीच वाले बोल्ट के लिए रैप कर रहा हूँ उसके ऊपर। और अब हम इस बोल्ट को 12 mm सॉकेट और रॉड की हेल्प से कर देंगे टाइट। और अब आप देख सकते हैं हमारा एम्प यहाँ से चल चुका है। आप देख सकते हैं एम्प्स में लाइट आ गई है और यहाँ पे इसमें भी स्विच है, सो बंद हो गया। सो अब अटैच करते हैं स्पीकर्स को। सो अब हमें ये वायर्स मिली थी स्पीकर्स के साथ में। सो इनमें आपको एक ध्यान रखना है कि एक थिम्बल बड़ा है एक थिम्बल छोटा है। सो पहले इनको हम कनेक्ट कर लेते हैं। और इसमें छोटा वाला नेगेटिव है या जिन वायर के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप है आप देख सकते हैं वो वाली नेगेटिव है। अब हम इनको कनेक्ट कर देंगे फ्रंट राइट और फ्रंट लेफ्ट में अकॉर्डिंग टू यू। सो नेगेटिव वाला नेगेटिव में, और यहाँ पे स्क्रूज नहीं है सो बहुत इजीली आपका ये लग जाएगा। और पॉजिटिव वाली वायर, सो स्पीकर्स के कनेक्शन के बाद यहाँ पे ऑक्स लगेगी, ये दूसरी वाली जिसमें लेफ्ट और राइट ऑडियो अलग होती है, और ये बेल्किन कंपनी की ऑक्स है, ये अभी स्पेशली लेके आए हम। और इसको दूसरी साइड देखेंगे तो हमारा सिंपल 3.5 mm का जैक है जो हमारे फोन और किसी में भी चल जाएगा। सो फटाफट एम्प को नीचे से रख देंगे हम इसमें ताकि हमारा जो कंट्रोल यूनिट है सारा ऊपर आ जाए, और दिखाते हैं आपको ये कैसे काम करता है। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं प्रॉपर बैठ चुका है, और मैंने साइड से ऑक्स केबल भी निकाल ली अपनी। और यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था एक मैं यहाँ पे स्क्रू टाइट कर दूंगा जिससे बिल्कुल भी ये झटकों से बचा रहेगा ऑफ रोडिंग में। सो ये जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रू बिल्कुल टाइट हो चुका है प्लास्टिक के अंदर, और ये अब कहीं नहीं जाएगा। और ये मैंने लाइट्स लगाई हैं जो म्यूजिक रिएक्टिव हैं। सो हम चलते हैं बाहर और इसको करते हैं चेक कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम की लगाएंगे और यहाँ से कर लेंगे अपना स्विच ऑन, और अब हम डिक्की खोलेंगे। सो यहाँ पे मैंने ब्रांडिंग करवा लिया, अपनी ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ से इसको किया ऑन, और ये मैंने एक ब्लूटूथ डिवाइस लगाया हुआ है जो पेन ड्राइव टाइप की ब्लूटूथ के तरह एक्ट करेगी। सो अब यहाँ से, सो यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं डिवाइस मेरा पेयर हो चुका है। सो अब यहाँ से मैं म्यूजिक करूँगा प्ले। Leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. So, ये थी हमारे स्पीकर्स की आवाज, और ये बहुत ही ज्यादा लाउड है जैसा कि आपने सुना। आई थिंक ऑडियो यहाँ पे जस्टिस नहीं कर रहा होगा, बट बेस भी बहुत क्लियर है और ऑडियो भी बहुत ज्यादा क्लियर है। सो ये था हमारा स्कूटी में साउंड सिस्टम का इंस्टॉलेशन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, मैं वहीं पे लाइव आता हूं, सारे क्यों वहीं पे होते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन राइट सेफ राइट हार्ट, मिलते हैं किसी और बढ़िया वीडियो में। बाय बाय।